कई मामलों में आपराधिक योजनाओं में भागीदार बनाया जाता है उनको प्रलोभन देकर, और उनके प्रलोभन में आकर ऐसे लोग जो है आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होते रहे। अलग अलग थानों से अलग अलग जिलों में जेल गए और हर जगह इन्होंने अपना नाम बदल के जो है। नहीं, ये तो देखिए अभी तो गिरफ्तारी हुई है, ये सारी भी जो प्रश्न आपके हैं इनका जवाब अनुसंधान के क्रम में मिलेगा। निहाल से ये पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई है कि ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उनको भी कई मामलों में आपराधिक योजनाओं में भागीदार बनाया जाता है उनको प्रलोभन देकर, और उनके प्रलोभन में आकर ऐसे लोग जो है आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होते रहे। सर, आप चौथे व्यक्ति की बात कर रहे थे किसी हॉस्पिटल में, उनका नाम और फिर किस हॉस्पिटल में? नहीं देखिए, हॉस्पिटल का नाम बताना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल का कोई इसमें रोल नहीं है। इससे ना उससे किसी प्रतिष्ठान की, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बदनामी होगी। जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रवि कुमार, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसमें ये भी बात अनुसंधान के क्रम में प्रकाश में आई है कि ये पूर्व में जो मुख्य अभियुक्त निहाल है ये अलग अलग थानों से अलग अलग जिलों में जेल गए और हर जगह इन्होंने अपना नाम बदल के जो है बताया है, और पुलिस अलग अलग नाम में जेल भेजी हमारे अनुसार। तो इस संबंध में जो तकनीकी शाखा के लोग हैं इनको निर्देशित किया गया है कि संबंधी जिला के पुलिस अधीक्षकों को ये इस बात की सूचना दे देंगे इसका वास्तविक नाम क्या है, जिससे कि आपराधिक इतिहास और इसको फिर से खोजने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तो हॉस्पिटल का ड्रेस इन्होंने बताया है कि गाड़ी में रखते थे और उसको अगर पुलिस द्वारा कभी रोका जाएगा तो उसको पहन के ये बताएंगे कि हम लोग हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं। सर, जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है कई जिलों में नाम बदल कर, तो आधार कार्ड वगैरह सब बना के रखता था? नहीं, ये तो देखिए अभी तो गिरफ्तारी हुई है, ये सारी भी जो प्रश्न आपके हैं इनका जवाब अनुसंधान के क्रम में मिलेगा। इसमें जो नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हैं इनके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, और हम लोग इस केस में जो गिरफ्तारी और बाकी केसेज में ये भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह से जो है, और कहीं तो ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा नाम बदल के बताया गया हो, क्योंकि फर्दर हम लोगों ने जब वेरीफाई किया नाम नहीं मैच हुए तो फोटो मंगा के वेरीफाई किया है, तो उसके आधार पर अगर कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड या कोई इस तरह की चीज़ आएगी बाद में तो उसके संबंध में अलग से अनुसंधान किया जाएगा।